यूट्यूब ओपन कीजिए, हमारे चैनल का नाम MOTUR SPACE LOGY टाइप कीजिए, उसके बाद हमारे चैनल के लोगो पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन को दबाना ना भूले हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वेलकम टू मोटोलॉजी YouTube चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो तुरंत ही इसे सब्सक्राइब कर ले, वरना आप मिस कर रहे हैं न्यू और एक्साइटिंग कार के वीडियोस। आज हम आपको बताएंगे महिंद्रा मराजो के बारे में। आज हम इसका पूरा डिटेल रिव्यू देंगे, ये गाड़ी लेने लायक है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिटेल सेशन। अब बात करते हैं इसके एक्सटीरियर की, और एक्सटीरियर में सबसे पहले इसके ग्रिल की। तो ग्रिल आप देख सकते हैं यहाँ पे सैम्पेन गोल्ड कलर की आपको ग्रिल दिख रही होगी। ये क्रोम तो नहीं है, इसे सैम्पेन गोल्ड आप कह सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पे महिंद्रा का सिग्नेचर ग्रिल, और ये 7 स्लैट है, 1 2 3 4 5 6 7। ये इसका हेडलैम्प, जो कि स्मोक प्रोजेक्टेड हेडलैम्प है यहाँ पे आपको, और ये हाई बीम लाइट, ऊपर डे टाइम रनिंग LEDs, और ये इसका फॉग लैम्प, इसके ऊपर भी डे टाइम रनिंग LEDs दी हुई हैं। इसका नीचे का ग्रिल, जिसके नीचे आपको क्रोम की लाइनिंग दी गई है। और इस गाड़ी का डिज़ाइन शार्क इंस्पायर्ड है, तो आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी शार्क की खूबियाँ भी इसमें दिख रही होंगी। ये इसका ऑटोमेटिक सेंसिंग रेन वाइपर्स, यहाँ पे वॉशर्स। आप बात करते हैं इसके साइड व्यू की, और साइड व्यू में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 17 इंचेस का अलॉय व्हील दिख रहा होगा, जो काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। और इसकी डिस्क ब्रेक भी आप देख सकते हैं। उसके बाद इसके ये ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी। ये है इसका 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। उसके बाद इसका हैंडल पे ये क्रोम, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक क्रोम की लाइनिंग दी गई है रियर तक। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके डोर के नीचे भी आपको क्रोम की लाइनिंग दी गई है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये था इसका साइड व्यू, जो काफ़ी देखने में लंबा लग रहा है गाड़ी, और काफ़ी स्टाइलिश भी लग रही है, और शार्क की तरह पीछे से उठी हुई है थोड़ी सी। और ये इसका शार्क के फिन जैसा डिज़ाइन यहाँ पे टेल लैंप्स पे, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये है इसका ऑटोमेटिक ORVM। अब बात करते हैं रियर के बारे में, और रियर में ये आप देख सकते हैं काफ़ी स्टाइलिश लग रही है गाड़ी, और यहाँ पे इसको क्रोम की लाइनिंग दी गई है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये महिंद्रा का लोगो, ये वाइपर, रियर वाइपर, वॉशर्स भी हैं। यहाँ पे आपको महिंद्रा की बैजिंग, यहाँ पे मराजो की बैजिंग, और यहाँ टॉप मॉडल M8 की बैजिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको सेंसर्स दिए 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे फॉग लैम्प, रियर और रिफ्लेक्टर। तो पीछे से ये देखने में काफ़ी चौड़ी लग रही है, और हल्की हल्की शार्क से इंस्पायर्ड है, तो उसकी तरह लग रही है, और ये काफ़ी स्टाइलिश लग रही है। एक बार फाइनल व्यू देख लेते हैं। तो ये है इसका फाइनल व्यू, काफ़ी कूल लगती है देखने में। ये लैडर फ्रेम प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। ये फ्रंट व्हील ड्राइव कार है। अब बात करते हैं इससे कुछ फीचर्स की, इसकी प्राइसिंग की। तो अब हम बात करते हैं इसके इंटीरियर की, और इंटीरियर में सबसे पहले स्टेयरिंग व्हील की। तो ये स्टेयरिंग व्हील आप देख सकते हैं, ये
टेलीस्कोपिक नहीं है, सिर्फ टिल्टेड है। और यहाँ पे इसको मिलते हैं ऑडियो से जुड़े बटन्स, और यहाँ पे आपको मिलते हैं क्रूज कंट्रोल से, और यहाँ से आप अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मैनेज कर सकते हैं। यह इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, इसमें आप देख सकते हैं दो डायल्स आपको दिख रहे होंगे, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर वाला होगा और लेफ्ट साइड में आरपीएम मीटर, और बीच में इसको 3 इंच का टीएफटी स्क्रीन दिया हुआ है जिसमें आपको बताएगा डोर ओपन है या नहीं है, ये सब आपको इसमें बताएगा, और कुछ अलर्ट्स वगैरह, ये सब सीट बेल्ट आराम, ये सब इसमें आपको दिखाएगा। उसके बाद ये इसका गियर लीवर 6 speed + 1 रिवर्स है। यहाँ पे इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फंक्शन है, यहाँ से आप अपना एसी वगैरह मैनेज कर सकते हैं। सेंटर कंसोल में आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको स्टोरेज स्पेस दी गई है, यहाँ पे आप अपना मोबाइल वोबाइल भी रख सकते हैं, और यहाँ पे 2 cup holders भी हैं, पर ये कूल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बॉटल भी आप शायद रख सकते हैं या कप भी रख सकते हैं। और ये इसका एरोडायनेमिक हैंड ब्रेक। उसके बाद ये इसका ग्लॉसी फिनिश डैशबोर्ड जो काफ़ी कूल लगता है देखने में और सुंदर भी लगता है। इसका ये प्लास्टिक, ये सॉफ्ट प्लास्टिक नहीं है, हार्ड प्लास्टिक है, पर इसकी क्वालिटी अच्छी है। इसका डैशबोर्ड भी बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये इसका एसी वेंट जिसके चारों ओर क्रोम की गार्निश की गई है। उसके बाद ये इसका सीट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी सीट्स भी अच्छी है काफी, पर ये आर्टिफिशियल लेदर है, ये ओरिजिनल लेदर नहीं है। यहाँ पे इसका सपोर्ट भी अच्छा है, साइड सपोर्ट भी बढ़िया है इसका। ये इसका आर्मरेस्ट है, दोनों अलग अलग पैसेंजर्स के लिए अलग अलग आर्मरेस्ट दी गई है जो कि काफी यूजफुल मुझे लगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लंबर सपोर्ट्स भी मिलते हैं आपके सीट्स के लिए, अपने सीट्स की आप बोल स्ट्रिंग कम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं इसकी मदद से। उसके बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको ब्लैक ग्लॉसी फिनिश दिया गया है। यहाँ पे आपको डोर के विंडो के ओपनर्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो आपका विंडो लॉक हो जाएगा। उसके बाद ये आपका ORVM कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पे आपका डोर ओपनर भी यहाँ पे क्रोम की गार्निश से लिपटा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी इसको लेदर दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। यहाँ सेंटर कंसोल में आपको यहाँ पे भी स्पेस मिलती है अपने मोबाइल रखने के लिए, पर यहाँ पे आपको 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं, एक AUX, और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का फोन भी मिलता है। उसके बाद ये सब ग्लव बॉक्स जो कि कूल्ड है, पर इसकी साइज ज्यादा बड़ी नहीं है, इसमें आप ज्यादा कुछ नहीं रख सकते। यहाँ आपको एक सनग्लास होल्डर दिया गया जिसमें आप अपना सनग्लास रख सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना यहाँ पे कुछ रख नहीं सकते, यहाँ पे आपको एक मिरर दी गई है जिससे आप अपने पैसेंजर्स पे भी नजर रख सकते हैं पीछे, तो ये काफी अच्छा फंक्शन है। यहाँ पे आपका रीडिंग लाइट, और ये इसका सामने का व्यू, आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसका व्यू भी बहुत बड़ा है सामने की स्क्रीन का। यहाँ पे इसका IRVM जो कि आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता, इसको एडजस्ट करना पड़ता है यहाँ से। ये इसका 7 inches का इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसमें एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, आपको ये सब इसमें मिलेगा, क्लाइमेट कंट्रोल भी इसमें आपको मिलेगा। उसके साथ ही आप इसमें नेविगेशन भी अपना देख सकते हैं, आपको जहाँ जिस तरफ जाना है आपको नेविगेट करेगा, पर इसकी क्वालिटी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई। ये इसका 7.5 inch का टच स्क्रीन जिसमें आपको काफ़ी फीचर्स मिलते हैं जैसे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, इसमें आप अगर चाहे तो वीडियो भी देख सकते हैं और अपना मनपसंद वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। और अगर बात करें इसके रियर कैमरा की तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है इसकी क्वालिटी कैमरा की। अब हम आ चुके हैं पीछे और आप ये देख सकते हैं इसके पूरे डैशबोर्ड का लुक, ये काफी सुंदर लग रहा है और कूल लग रहा है देखने में इसकी ब्लैक ग्लॉसी फिनिश के साथ। ये रहा डैशबोर्ड का लुक।
अब हम बात करते हैं इसके रियर सीट्स के बारे में। तो ये रियर सीट्स पे हम आ गए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं मुझे कितनी नीरू मिल रही है, काफ़ी नीरू है मुझे। आगे की सीट मेरे हिसाब के, मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीरू कितनी है। उस पर मैं हेडरूम भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप मेरा हेडरूम भी। उसके बाद यहाँ साइड में आपको सन ब्लाइंड्स दिए हुए हैं, अगर आपको धूप लग रही हो तो आप इसको हटा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर है धूप से बचने के लिए आजकल की गर्मी में। यहाँ पे आपको फिर क्रोम की गार्निश मिलती है डोर हैंडल ओपनर पे। यहाँ पे आपको ये आपके विंडो के लिए, यहाँ पे भी छोटी सी स्टोरेज स्पेस कॉइन वगैरह ये सब रखने के लिए। यहाँ पे भी आपको लेदर मिलता है, यहाँ पे भी आपको आर्मरेस्ट दिया गया जो काफ़ी यूजेबल है दोनों अलग अलग पैसेंजर्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे टॉप पे एसी दी हुई है जो काफ़ी यूजफुल है, इससे आपका पूरा केबिन जल्दी कूल हो जाएगा। यहाँ पे एडजस्टमेंट भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ से आप अपना बंद कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए आपके सर पे डायरेक्ट हवा आ रही है तो इसको चेंज करने से आपके सर पे डायरेक्ट हवा नहीं आएगी और ये पूरे केबिन को ठंडा कर देगी। यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट मिलता है। उसके बाद यहाँ की भी सीट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है सीट्स और काफी सपोर्ट इसका अच्छा है, मुझे इसका सपोर्ट काफी अच्छा लगा। एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको सेकेंड रो में एक यूएसबी चार्जिंग सॉकेट मिलता है, यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिलते हैं। पर आप एक चीज देख सकते होंगे कि यहाँ पे सेंट्रल टनल काफी नीचे है, तो अगर यहाँ पे ये बेंच सीट भी होती तो काफी आराम से यहाँ पे तीन जने बैठ सकते थे। अब चलते हैं थर्ड रो में और बात करते हैं स्पेस कैसी है थर्ड रो में। अब हम आ चुके हैं थर्ड रो में और थर्ड रूम में आप देख सकते हैं कि मुझे नीरूम जस्ट सफिशियंट है। आगे की सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम कम नीरूम है। और हेडरूम तो है मुझे हेडरूम। यहाँ पे भी आपको एसी वेंट्स मिलते हैं टॉप पे सेंटर माउंटेड, यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट मिलता है। उसके बाद यहाँ पे भी सीट्स की क्वालिटी वैसी जैसे आगे थी और यहाँ आप देख सकते हैं एक एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी है और दूसरा इधर है। यहाँ पे तीन जने थोड़े टाइट तो होगा पर बैठ जाएंगे। बाकी के कारों के हिसाब से मुझे इसकी थर्ड रो अच्छी लगी। यहाँ पे आपको एक कप होल्डर दिखता है, यहाँ पे आपको स्क्रीन दिखती है, पर पीछे आपको हो सकती है थोड़ा सा कंफर्टेबल ना लगे क्योंकि यहाँ पे कोई विंडो नहीं है। और यहाँ का भी सेंट्रल टनल नीचे है और यहाँ पे जो एक होता है कि जगह नहीं है, मान लीजिए थोड़ा सा आपको डीप चाहिए होता है, यहाँ पे वो डीप है, आप आराम से अपना पैर नीचे रख सकते हैं। और यहाँ से एक बार आपको लुक दिखा दूँ, ये फ्रंट की लुक, सेकंड रो फर्स्ट रो। तो ये था गाड़ी का इंटीरियर, अब हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। अब देखते हैं इसका बूट। अब देख सकते हैं इसका बूट, यहाँ पे तीन बैग रखे हुए हैं, काफ़ी इजीली हट चुके हैं। बूट की साइज काफ़ी अच्छी है। अब ये सेवन सीटर है तो बूट तो कम होगा, पर बूट में आप काफ़ी चीज़ रख सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप ये सीट्स फोल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको लास्ट रो की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको सेट भी कर सकते हैं। तो थर्ड रो क्लोज करने के बाद आप देख सकते हैं पूरा फ्लैट फोल्ड हो चुका है, यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, अब आप सामान अच्छे से रख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर आप इसको वापस भी कर सकते हैं। तो
सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको थर्ड रो की ज़रूरत नहीं तो इसे फोल्ड कर सकते हैं, और बाद में अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑटोमेटिक टेल गेट नहीं है तो इसे बंद करना पड़ता है। तो अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब बात करते हैं महिंद्रा मराजो के प्राइसिंग के बारे में, उसके इंजन के बारे में और उसके वेरिएंट्स के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वेरिएंट से। तो इसमें आते हैं आपको चार वेरिएंट्स, M2, M4, M6 और M8। इसमें ये चार वेरिएंट्स आते हैं, आपको 8 कलर ऑप्शंस आते हैं, और आपको इसमें जैसे अलग अलग इसके सेफ्टी फीचर्स मैं बताता हूँ। इसमें 2 एयरबैग्स आता है स्टैंडर्ड फीचर, ABS प्लस EBD आता है इसमें, और इसमें टोटल आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। और इसके चारों व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, ये भी एक अच्छा फीचर है। ये स्टैंडर्ड आता है आपको हर वेरिएंट्स में, आपको जो भी आप M2 भी लेंगे तो उसमें भी आपको ये मिलेगा। अब बात करते हैं इसके प्लेटफॉर्म पे। तो इसका प्लेटफॉर्म लैडर फ्रेम है जो महिंद्रा ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया, और ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। ये दुनिया की पहली ऐसी कार है जो लैडर फ्रेम प्लेटफॉर्म पे बने होने के बाद भी फ्रंट व्हील ड्राइव है। तो आपने देखा होगा कोई भी अगर लैडर फ्रेम गाड़ी होती है तो उसमें रियर व्हील ड्राइव ही आता है, और उसमें जो रियर व्हील में पावर आता है तो वो आपको पीछे से पुश करता है, पर इसमें आपको फ्रंट व्हील ड्राइव मिला। तो आप इसका जो मेन पावर आएगा चक्कों में वो फ्रंट व्हील्स पे होगा। इसको फिर 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इसको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो कि 300 nm का टॉर्क निकालता है और 90 bhp का पावर निकालता है। उसके बाद अगर बात करें इसके कुछ खास फीचर्स के बारे में, तो इसमें जैसे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, उसके बाद आपको इसमें महिंद्रा का ब्लू सेंस ऐप मिलता है जो इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में है। उसके बाद इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो एक मिनी कंप्यूटर जैसा है। इसमें 8 GB का इंटरनल स्टोरेज भी दिया हुआ है आपको, और इसमें साथ ही में आपको जैसे आप वीडियो भी देख सकते हैं, और आपको अगर मन है तो कोई आप फोटो डाल के उसको अपने वॉलपेपर पे लगा सकते हैं। और ये एक प्रॉपर 8-सीटर MPV है। इसमें आप थर्ड रो में भी 3 पैसेंजर्स बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आराम से 3 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं 6 फीट के, 1-2 घंटा या 3 घंटा भी आप बैठ सकते हैं आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो महिंद्रा मराजो की एक्स शोरूम दिल्ली प्राइसिंग शुरू होती है 9.99 लाख एक्स शोरूम दिल्ली, और इसका जो टॉप एंड वेरिएंट M8 आता है ये आपको जाता है 15.67 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। तो ये है इसकी प्राइसिंग। इस प्राइसिंग के मुताबिक अगर इसको कंपेयर किया जाए आर्टिका से, तो आर्टिका इससे थोड़ी सस्ती आती है, पर वो इतनी फीचर्स नहीं दे पाती है, पर आपको महिंद्रा मराजो में कई ज़्यादा उससे फीचर्स मिलते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए इसके आपको इसके प्राइसिंग के बारे में, तो प्राइसिंग में भी करीब आपको 3 लाख का आपको फ़र्क आ जाता है। और इंजन की भी बात करें तो इंजन ये ज़्यादा पावर आपको निकालता है आर्टिका से। आर्टिका में आप पैसेंजर्स इतने ही, 8 तो नहीं, आप उसमें 7 पैसेंजर्स बैठा सकते हैं। और एक ख़ास बात, ग्लोबल NCAP में महिंद्रा मराजो का क्रैश टेस्ट किया गया था और उसमें इसको 4-स्टार रेटिंग मिली है। तो महिंद्रा मराजो सेफेस्ट MPV, इंडिया की सेफेस्ट MPV घोषित कर दी गई है क्योंकि इसको 4-स्टार मिला है। तो आप सोच सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी भी कैसी होगी, इसकी पेंट क्वालिटी भी अच्छी है। तो आज के वीडियो में आपको महिंद्रा मराजो के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, हम उसका आंसर आपको 24 आवर्स या 48 आवर्स मैक्सिमम में आपको उसका आंसर देने का हम कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में महिंद्रा मराजो काफ़ी अच्छी साबित हुई है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।